नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। योगी मॉडल अपना रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार, होटल और ढाबा मालिकों को लिखना होगा नाम। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अब हर भोजनालय और फास्ट फूड दुकान के मालिकों को अपनी ID लगानी होगी। यह फैसला हिमाचल सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए लिया है। इसको लेकर शासन की ओर से शहरी विकास एवं नगर निगम को निर्देश जारी किया गया है। इस बात की जानकारी शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बात करने के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार को उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल भाग गया है। अब राज्य में सभी भोजनालयों, स्ट्रीट वेंडरों और खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के मालिकों को अपनी ID बाहर लगानी होगी। इसके साथ ही दुकान पर मालिक का नाम भी लिखना होगा। इस नियम को पूरी तरह से अनिवार्य बनाया गया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने शहरी विकास और नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य में स्वच्छ भोजन बेचा जाए। इसके तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक निर्णय लिया गया है, विशेषकर वो जो खाने का सामान बेचने का कार्य करते हैं। इस बात को लेकर लोगों ने अपनी चिंताएं और शंकाएं व्यक्त की, जिस पर विचार करते हुए हमने उत्तर प्रदेश की भांति नीति हिमाचल में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी भोजनालयों और स्ट्रीट वेंडरों को अपना नाम और ID दिखानी होगी, जो हर दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर की पहचान प्रदर्शित करेगा। सितंबर की गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी छूटे पसीने। हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2024 में 24 तारीख तक शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित 7 शहरों में अधिकतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। शिमला में 23 और 24 सितंबर को दोनों दिन 28.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पिछले 10 वर्षों में 20 सितंबर 2024 को 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो दूसरा सबसे अधिकतम तापमान है। कांगड़ा में 23 और 24 सितंबर को अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दूसरा सर्वाधिक अधिकतम तापमान 12 सितंबर को 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उधर ऊना में 24 सितंबर 2024 और 21 सितंबर 2020 को अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में और वृद्धि होने की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2-3 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधि में वृद्धि के कारण राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद 2 दिनों तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। विभाग के अनुसार 25 से 27 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। रोगी वाहनों में ढोई जा रही सवारियां, 7 के चलान, रिज पर RTO ने नाका लगा की कार्रवाई। राजधानी शिमला के रिज और माल रोड से रोगी वाहन सवारियां और सामान्य मरीजों को ढोकर लेकर जा रहे हैं। इसका खुलासा बुधवार को RTO शिमला के रिज पर की गई नाकाबंदी में हुआ। RTO शिमला ने 14 रोगी वाहनों की जांच की। इस दौरान 7 रोगी वाहनों में सामान्य मरीज, सवारियां और तीमारदार बैठे मिले। परिवहन विभाग ने इन वाहनों के चलान काटकर करीब 21,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। RTO शिमला के मुताबिक उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि रिज और माल रोड पर चल रहे रोगी वाहनों में सवारियों को ढोया जा रहा है। खाली एम्बुलेंस बाधित मार्ग पर चल रही हैं, इस वजह से यहां से चलने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। कुएं में डूब गया पति, पत्नी ने की बचाने की कोशिश, दोनों की डूबने से हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल की रखो पंचायत के कलोह गांव में करीब 35 फीट गहरे कुएं में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लगने से बेहोश होने के बाद पानी में डूबने से दंपति की मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुधवार सुबह 45 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र नानक चंद बुधवार सुबह घर के पास कुएं से पानी लाने गए। कुएं में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। कुएं में पानी की गहराई केवल 4 फीट थी। नीचे उतरते ही जैसे संजीव पानी भरने लगे तो गैस की चपेट में आ गए और बेहोश हो गए। काफ़ी देर तक जब घर नहीं लौटे तो पत्नी नीलम कुमारी भी कुएं के पास पहुंची। पति को कुएं में गिरा हुआ देखा तो बचाने के लिए वह भी नीचे उतर गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान नीलम भी गैस की चपेट में आ गई और बेहोश होकर वह भी पानी में गिर गई और मौत हो गई। जब संजीव और नीलम घर नहीं पहुंचे तो उनकी माता लीला देवी वहां पहुंची। जब उन्होंने उन दोनों को कुएं में गिरा हुआ देखा तो होश खो बैठी और चिल्लाने लगी।
ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कुएं से बाहर निकाला। दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद सरकाघाट की SDM स्वाति डोगरा, तहसीलदार मुनीश कुमार और RFSL की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। देर शाम को दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरा कार्यकाल छोटा पर यह मतलब नहीं कि हम वह नहीं करेंगे जो करना चाहिए। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में न्यायमूर्ति राजीव शकधर को शपथ दिलाई। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्त वारंट पढ़ा। उधर नए मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में हाईकोर्ट में फुल कोर्ट वेलकम एड्रेस भी हुआ। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह पद सम्मान की बात और बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कानून अपना काम करेगा। हमारा कार्यकाल छोटा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम वह नहीं करेंगे जो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोलने से फर्क नहीं पड़ता, जो काम करेंगे उसी से पता चलता है। नए मुख्य न्यायाधीश 18 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे, ऐसे में उनका कार्यकाल संक्षिप्त रहने वाला है। संजौली मस्जिद का गुपचुप दौरा कर गए AIMIM नेता जमाई, वीडियो वायरल, भड़के हिंदू मुस्लिम संगठन। संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण का विवाद फिर गर्मा गया है। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष जमाई 23 सितंबर को शिमला पहुंचे। उन्होंने बिना किसी को भनक लगे मस्जिद का निरीक्षण किया। शिमला से लौटने के अगले ही दिन 24 सितंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विवाद से जुड़े वीडियो और बयान पोस्ट किए जो वायरल हो गए। मस्जिद की 5वीं मंजिल पर बनाए वीडियो में जमाई ने मस्जिद को अवैध बताने पर सवाल उठाए। वीडियो में मस्जिद के चारों ओर बने बहुमंजिला भवन दिखाते हुए कहा कि इनकी ऊंचाई मस्जिद के बराबर या ज्यादा है। यदि मस्जिद अवैध है तो ये भवन भी अवैध है। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी से राज्यों से संबंधित दस्तावेज उन्होंने ले लिए हैं और अब कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। यह भी कहा कि लोग तय नहीं करेंगे कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या कम है इसलिए कमेटी ने मजबूर में फैसला लिया, लेकिन हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। हमने मौलाना से बात की है, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे। वहीं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में आकर यहां का राजनीतिक माहौल खराब करने का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मस्जिद निर्माण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। संजौली मस्जिद में जाकर वीडियो बनाना और इसे सनसनी बनाना गलत है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। शिमला में HRTC के 3 काउंटरों पर मिलेगा NCMC कार्ड, लगेंगे इतने पैसे। HRTC ने यात्रियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू कर दी है। HRTC ने इसके लिए शिमला में 3 काउंटरों में कार्ड की सुविधा बुधवार को शुरू की। लोग माल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा और ISBT में 100 रुपये में यह कार्ड बनवा सकते हैं। NCMC कार्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि यह प्रीपेड कार्ड के रूप में तो काम करेगा ही, इसका उपयोग ATM कम डेबिट कार्ड के रूप में भी हो सकेगा। इसके अलावा यात्री इससे रेलवे और मेट्रो के किराए की अदायगी भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य और HRTC पहला परिवहन निगम बन गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी भी इस कार्ड के जरिए निगम की बसों में किराए का भुगतान कर सकेंगे। HRTC के मुताबिक शुरुआत में NCMC कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा। अगले चरण में ये सुविधा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। त्रिलोकपुर सड़क पर पलटा कंटेनर, देर रात तक लगा रहा जाम। औद्योगिक क्षेत्र कालाम के तहत त्रिलोकपुर सड़क पर बुधवार देर शाम एक कंटेनर पलट गया। गनीमत यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। वहीं एक महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। कंटेनर पलट जाने पर कई घंटे जाम की स्थिति पैदा हो गई। इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जानकारी के अनुसार ओवरलोड होने की वजह से यह कंटेनर चढ़ाई नहीं चढ़ पाया, इस कारण यह सड़क पर पलट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फिलहाल यह कंटेनर किसका है और कहां जा रहा था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित विभागों को ओवरलोडिंग के बारे में मौखिक व लिखित तौर पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं बना। स्थानीय लोगों की मांग है कि ओवरलोड व ओवरहाइट गाड़ियों पर लगाम लगाई जाए। भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भपराल गांव में अवैध रूप से रखी देसी शराब की 204 बोतलें पकड़ने में भराड़ी पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि भराड़ी पुलिस की एक टीम बुधवार शाम के समय भपराल क्षेत्र में गश्त पर थी।
इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भबराल के एक घर में अवैध तौर पर शराब रखी हुई है। भराड़ी पुलिस टीम ने घर में जांच की तो टीम को घर में देसी शराब की 17 पेटियां बरामद हुई। पुलिस थाना भराड़ी में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। मामले की पुष्टि DSP घुमारवी चंद्रपाल सिंह ने की। DSP ने कहा कि भराड़ी पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।